हाय, कैसे हैं आप सब? मैं प्रफुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीके ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड है इसको प्रूफ करना, हीरोन्स फार्मूला। एक्चुअल में हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ क्या है? तो किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया हीरोन्स फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट स्पेशली हम लोग एस्केलियन ट्रायंगल का जो एरिया होता है विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, उसको ही कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज सबके अलग अलग जो इंडिविजुअल, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है शंभु त्रिभुज, तो उसके क्या होते हैं एरिया, डायरेक्ट रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर से निकाल लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b². उसके बाद और सारे समकोण त्रिभुज के क्या होते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बट जब विषमबाहु त्रिभुज की बात आती है तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। और हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, हीरोन्स फार्मूला क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वो होता है एरिया इक्वल टू द रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पैरीमीटर, ए बी एंड सी लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल। हमने ये ट्रायंगल बनाया है, ए के सामने के लेंथ को हम ए मान लेते हैं, छोटा इसे डिनोट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। बी के सामने के लेंथ को छोटा बी से डिनोट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। सी के सामने के लेंथ को छोटा सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका पेरीमीटर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर लेंथ ऑफ आउटर मोस्ट एक्सटर्नल बाउंड्री, परिसीमा की लंबाई को ही क्या बोलते हैं, किसी बहुभुज किसी भी कोई किसी भी चीज़ का पेरीमीटर परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पे एस क्या होगा, एस चूंकि सेमी पेरीमीटर है, अगर ये इस त्रिभुज में पूरा पेरीमीटर मतलब पूर्ण परिमाप निकाले तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये सेमी पेरीमीटर है मतलब अर्ध परिमाप, इसलिए इसका क्या कर देंगे, आधा। तो हमें प्रूफ ये चीज़ करने हैं, ये मैं जानता हूँ कि एस बराबर क्या होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। ये आप लिख लेना, ए बी सी एक त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि मैंने अलग अलग माना है उसकी भुजा। अब देखिए, मैं BD के लेंथ को X मानता हूँ, लेट BD इज इक्वल टू द X, BD के लेंथ को हमने क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक। अब BD के लेंथ को हमने X माना तो ऑटोमेटिकली CD कितना हो जाएगा, BD इतना है, BC इतना है, तो DC क्या होगा, इसमें से इसको घटा दो, a माइनस एक्स, ठीक। अच्छा, और AD के लेंथ को हमने h माना, AD के लेंथ को क्या मान लिया, h मान ली, ठीक। तो a माइनस एक्स है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला हाइट कितना है, h हम मान ली, ये वाला h, ठीक। अब आ जाओ आप त्रिभुज ABD में, आ जाओ त्रिभुज ABD में, इन ट्रायंगल ABD using Pythagoras theorem हम लिख सकते हैं कि h square जो है ना, h square AB के स्क्वायर, सीधे लिख डायरेक्ट लिख देते हैं कि एच स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस को घटाने पे मिलेगा, मतलब हेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट एच स्क्वायर इक्वल टू द सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके, एच स्क्वायर इक्वल टू द सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
अब आ जाइए आप त्रिभुज ए ए बी डी. अब आइए नाउ इंट्रेंगल इंट्रेंगल ए सी डी. नाउ इंट्रेंगल ए सी डी वी कैन राइट एच स्क्वायर. एच स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि एच स्क्वायर यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगा नॉर्मली इस एंगल के लिए. तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ओके, इसको इक्वेशन सेकेंड देते. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या पाएंगे कि एच स्क्वायर लेफ्ट साइड में मतलब ये वाला चीज इसके बराबर होगा. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हम क्या पाएंगे कि सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. इस चीज़ को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू द बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, फिर से सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू ए एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक, इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी. अब देखो 2ax को इस साइड थोड़ी देर के लिए आते, 2ax बराबर क्या हो जाएगा, 2ax बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा. ठीक, 2ax इज इक्वल टू द सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फिर से हम क्या लिख सकते हैं कि जो x है वो x क्या हो जाएगा, हेंस x इक्वल टू द सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए. सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए. ओके, नाउ एक्स इक्वल टू ओके. ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. ठीक है, नाउ पुटिंग x इक्वल टू द सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट. इस पर हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें तो क्या मिलेगा हमें, एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ये वाला चीज पूरा, मतलब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा में 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x है तो x का होल स्क्वायर. ठीक, अब इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक चीज मिटा दे रहे हैं, अब यहाँ से आप देखेंगे इसको ऐसे भी तो लिख सकते ना ऐसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो इसको एक बार ऐड कर दे रहे, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू द सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए. ओके, इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो c माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब पॉन में 2a. ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसका LCM 2a आएगा, 1 को 2a 2a c हो जाएगा प्लस 2a 1 टाइम्स, तो एज इट इज वो चीज़ रह जाएगी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, अब देखो फिर से यहाँ पे 2a, अब यहाँ पे 2ac
माइनस चूंकि सबके साथ होगा तो सबका साइन पलट जाएगा, मतलब माइनस सी ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है एच स्क्वायर, ठीक। फिर से हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ से सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए सी, मतलब इस तीनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा फाइनली, फाइनली हमें मिलेंगे ए प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तीनों को कंबाइन करने पे साइड में क्या दे दे माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बट्टे टू ए। अच्छा यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो इसको लिख लो बी स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन ले ले इस सब में से माइनस निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना, ए माइनस सी का होल स्क्वायर अब बाई टू ए। ओके अब देखो ध्यान से यहां पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी तो सेट हो सकता है ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी। हम नीचे सब 2a का 2a से करें तो 4a स्क्वायर, ठीक। यहां पे क्या होगा b प्लस ए माइनस सी, बी प्लस ए माइनस सी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो b माइनस करेंगे तो a माइनस माइनस प्लस सी, ठीक। एच स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान से देखो तो h अगर हटाएंगे, h हटाएंगे यहां h स्क्वायर में से सिर्फ h को अकेला करेंगे, मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। अब जब रूट चढ़ेगा तो 4h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर लिख सकते हैं यहां से 4 से क्या निकलेगा 2 निकलेगा और ए स्क्वायर से ए निकलेगा। बट एक चीज नोट करो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इसको इस साइड ले जाएंगे, थोड़ी देर के यहाँ नोट करना ए प्लस बी प्लस सी इसको इस साइड ले जाएंगे, मतलब ये क्या है 2s है, क्या है 2s 2s ठीक 2s है इंटू ए प्लस सी माइनस बी क्या है, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s। ओके चूंकि हमें माइनस बी करने हैं तो दोनों साइड क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस टू बी दोनों साइड करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा ए प्लस सी माइनस बी और यहाँ पे टू इंटू एस माइनस बी, ठीक। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं टू इंटू एस माइनस बी, टू इंटू एस माइनस बी। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बी है माइनस में तो बी घटा दिए, सी है माइनस में तो सी घटा दो तो टू इंटू एस माइनस सी, फिर अगर ए है माइनस में तो फिर क्या घटा दो ए घटा दो, तो एस टू इंटू एस माइनस टू इंटू एस माइनस ए, ठीक टू इंटू एस माइनस ए, टू इंटू एस माइनस ए, ठीक है। एच रूट में है तो दो एच स्क्वायर एच में हटा लिए, फिर यहाँ पे स्क्वायर ही रहने दो, ठीक। यहां से हटाते हैं यहाँ पे 4a स्क्वायर अब हटा दिए तो क्या बचेगा, देखो नीचे में एक दो तीन चार है तो चार में से कितना निकलेगा, चार में से दो निकल के आ जाएंगे, चार में से कितने निकलेंगे दो निकल के आ जाएंगे, तो टू इंटू टू और नीचे से दो निकलेंगे और ए निकलेंगे, ठीक है। बचा क्या एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, फाइनली टू से टू कैंसिल, मतलब टू बाई ए अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब क्या निकली हाइट निकल के आ गया, हाइट निकल गया
हाइट निकल के आ गया। अब देखो एरिया, फाइनली हमें एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो एरिया कैसे निकालते हैं, अब देखो नॉर्मल इसमें एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर तो है ही, तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इनटू बेस क्या है इसका बीसी, बेस क्या है बीसी इनटू हाइट कितना है एडी को हम एच माने एच, तो हाफ इनटू बीसी क्या है ए है ए, इनटू एच क्या है एच है 2/a रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो 2 से 2 कैंसिल a से a कैंसिल, मतलब फाइनली क्या मिल गया हमें s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जस्ट प्रूफ, थैंक यू।